तो देखिए बच्चो क्या कहता है, इसमें एक वेसल दे रखा है इस क्वेश्चन में, कौन सी शेप में, इन्वर्टेड कौन की शेप में, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 5 और हाइट कितनी है उसकी 8 सेंटीमीटर। ओके, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, लीड शॉर्ट्स। लीड शॉर्ट्स किसको बोलते हैं, जैसे हमारे वो कंचे नहीं होते मार्बल्स, इसके अंदर इन्होंने क्या कर रखे हैं, जैसे थ्रस्टी क्रॉक की तरह छोटे छोटे कंचे डाल रखे हैं, छोटी सुनिए ना थ्रस्टी क्रॉक, इन्होंने क्या कर दिया, छोटे छोटे लीड शॉर्ट्स यानी पत्थर डाल दिए या कंचे डाल दिए। ओके, स्फेरिकल शेप में है सारे, सारे कौन सी शेप में है, सारे के सारे स्फेरिकल शेप में है, और उसकी रेडियस कितनी है सबकी 0.5 सेंटीमीटर। अब एक बात और, ये पानी का पूरा भरा हुआ था, इसके अंदर कंचे डालोगे तो पानी बाहर निकलेगा, तो कितना पानी बाहर निकला इसकी वजह से, पानी कितना बाहर निकला है, 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम का कितना बाहर निकला है 1/4, ठीक है जी। आपने ये बताना है कि ये लीड शॉर्ट्स टोटल कितने हैं, इनकी गिनती कितने हैं, हमने कितने लीड शॉर्ट्स डाले थे। स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब इसमें लॉजिक ये है कि जितने लीड शॉर्ट्स हमने डाले हैं, इन सभी लीड शॉर्ट्स का वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम सेम आएगा, जितने पत्थर फेंकोगे उतना ही तो पानी निकलेगा ना, एक के वॉल्यूम से डिवाइड। हाँ, निकले हुए पानी का वॉल्यूम और इन सब का वॉल्यूम क्या है, सेम। तो हम नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे वॉल्यूम को एक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, और इसमें डिवाइड करने में आपको एक बेनिफिट और है, आपको पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, जब डिवाइड करोगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बताता हूँ कैसे। यहाँ पे रेडियस ऑफ कौन कितनी है बताइए, 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कौन 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ क्या लिखे, स्क्वायर लिख दें या फिर 1 लीड शॉर्ट 5/10 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ कौन निकालें, सबसे पहले 1/3 πr² तो 1/3 πr कितना है 5 × 5 × 8 25 × 8 200 / 3 πcm³। अब इसका क्या करेंगे, 1/4 करेंगे क्योंकि इतना ही पानी बाहर निकला है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन के वॉल्यूम का 1/4, तो इसका 1/4 कर दीजिए, 50 कैंसिल, 50/3 πcm³, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लें, 1 लीड शॉर्ट 4/3 πr³ होता है स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 π को एज इट इज रखते हैं ताकि पाई से पाई कैंसिल हो जाए, रेडियस कितनी है 5/10 × 5/10 × 5/10, कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 से ये भी 2 से ये भी 2 से 2 × 4 से 4 कैंसिल, तो नीचे आएगा 6 और ऊपर आएगा π/6 cm³, ठीक है। आपने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स। अब जो ये वाला वॉल्यूम है और इन सब का वॉल्यूम है सेम आएगा, हम ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू या फिर ये लिखेंगे नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउटसाइड, जितना पानी बाहर गिरा है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ
देखो ना जितना पानी बाहर गिरा है इनकी वजह से गिरा है, इनका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम आएगा, तो आपने इसकी काउंटिंग निकालनी है। तो जितना वॉल्यूम बाहर जितना पानी बाहर गिरा है उसका वॉल्यूम और उसको डिवाइड किससे करोगे, एक स्फीयर के वॉल्यूम से। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये यहाँ पे क्या आएगा इज इक्वल टू जो पानी बाहर गिरा था उसका वॉल्यूम कितना था, 50 बाय 3 यही था। और इसको डिवाइड किससे करोगे, 1 लीटर शोर का वॉल्यूम 5 बाय 6। पलट दो इसको, 50 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई में 6 ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे, पाई से पाई कैंसिल, कैलकुलेशन इजी हो गई। 3 से 6 2 पे ये कितना आएगा, 100। तो नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स कितने हैं ऐसे से, 100 इजी है। सो नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स इज इक्वल टू 100। समझ में आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही है, ठीक है।